पंचायत चुनाव की सरगर्मी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। फिलहाल तो मैं रोज़ आपको शहर की या फिर पूरे क्षेत्र की खबर सुनाता हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर मैं ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था तो अपने गांव आया था। बैजानी मेरा पैतृक गांव है। यहाँ हमारे ग्रामीण हैं, हमारे चाचा भी लगते हैं और वो इस बार अच्छे मतलब भावी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं मुखिया चुनाव में। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। 27 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, उसके 29 को वोटिंग होगी। एक दो दिन बाद एक को या फिर दो को रिजल्ट आएगा। तो जब आए थे गांव समाज में, जब कोई चुनाव लड़ रहा है, किसी को समाज में विकास की या फिर बदलाव की इच्छा रहती है, तो उनसे मैंने सोचा एक बार बात किया जाए, जाना जाए कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या क्या मुद्दा है, कौन कौन से चीज़ हैं ऐसे जिनका विकास, जहाँ जीर्णोद्धार जो चीज़ शहर में नहीं ग्रामीण क्षेत्र में होते रहना चाहिए। चाचा हैं मेरे और मेरे ग्रामीण भी हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं, तो इनसे बात करना तो ज़रूरी था। कोई और रहते तो भी बात होता, पर चूंकि मेरे नज़दीकी हैं, मेरे जानकार हैं, तो इनसे जानना कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू से रहे हैं ये, क्या क्या विकास कार्य ठप है, क्या क्या होना चाहिए, समाज में क्या क्या चीज़ों की कमी है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। थोड़ा व्यवहारिक रहेगा, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बातचीत होगा, थोड़ा अपनापन रहेगा इस पूरे इंटरव्यू में, क्योंकि किसी दूसरे या फिर किसी और अन्य जगह पर किसी प्रत्याशी का नहीं, अपने परिवार, अपने ग्रामीण, अपने समाज के इंसान का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बातचीत करूँगा। इंटरव्यू नहीं, इसको एक बातचीत कह सकते हैं हम लोग। तो मेरे साथ हैं सुलोचन पांडे, जो कि बैजानी पंचायत के मूल निवासी हैं और इस बार पंचायत चुनाव में इन्होंने नॉमिनेशन कराया है। आने वाले 2-3-4 दिन में इनको इनका सिंबल मिल जाएगा। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पंचायत चुनाव में इन्होंने पिछले बार भी कोशिश की थी, पिछले बार ऐसा क्या कारण रहा जो जीत नहीं सके, इस बार भी ये कोशिश कर रहे हैं और लगातार समाज सेवा में सालों भर, जब चुनाव नहीं भी होता है, जब चुनाव लड़ने का इनका कोई मूड भी नहीं था, तो भी समाज सेवा में ये लगातार जुड़े रहे हैं। सुलोचन पांडे नाम है इनका। ग्रामीण क्षेत्र में बड़कन पांडे इनको कहा जाता है, बड़कन पांडे के नाम से इनको जाना जाता है। तो बड़कन चचा ही बोलेंगे आपको, कोई ऐसा बात नहीं है कि हम पत्रकार हैं, वैसा बात नहीं है। सबसे पहले तो सिल्क टीवी पे आपका जो है स्वागत है। चचा ही बताइए, आप पिछला बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या क्या आपको लग रहा है कि समाज में बदलाव होना चाहिए? आखिर आप देखते हैं हम कि आप समाज में कहीं भी कोई चीज़ का जरूरत होता है तो आप वहाँ पर खड़े रहते हैं, ऐसा मतलब कि क्या आपको और बदलाव चाहिए समाज में, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मुखिया का पद आपके साथ हो, आप मुखिया बने? हम कहीं भी अपने भाषा में अंगिका में बोल, हम जे छे नहीं कहीं भी समाज में खड़ा जे होइ छे, सब दिन खड़ा होलो लो छे, है कभी नहीं सोच ले छे कि वोट ले लूँ या काम कर लिए तो आए उदाहरण दो कि हमें वोट दियो, वो काम कर लिए खत्म हो गए, नया काम करना छे ओकरा लू तैयारी करे छे कि हमरा लोग ने चुना, विश्वास करा, हम एक सामाजिक आदमी छे, बचपन से लग अभी तक गाँव में रहो छे, हमरा लग भेदभाव नहीं होइ छे कहीं भी, चाहे शिक्षा रहे, चाहे समाज में कोई लड़ाई झंझट हुआ, कुछ भी हुआ वह हम अपनों व्यवहारिक विचारिक बात विचार करे छे, सब घर परिवार छे। अभी इलेक्शन खड़ा होलो छे लड़े ले तो ये में बहुत तरह से बात हो, 12 वार्ड रो हमरो पंचायत छे, वही में हो कि वार्ड वार्ड से खड़ा छे, टोलर टोलर बटी खड़ा छे, जात जात के बटी खड़ा छे, मुर्गा भात में बटे छे, नीतीश रो सरकार रो कानून छे ओकरा बंद रहता हुआ यहाँ दारू बटे छे, पैसा बटे छे, जात गोतिया में बटी जाए छे, तो जब हम वोट मांगे जाए छे समाज के तोड़ी तोड़ी के हम अगर जेबे और वहाँ पर पहुँचबे तो वहाँ में की समाज रो भला करबे, तो पहले हम वोट ले लूँ एक दूसरा के तोड़ी रो छे तो कहाँ से मसनी कुछ समाज रो विकास कर सकबे। सब अच्छा छे, सब अपनों छे, सब वोटर छे, सब कैंडिडेट छे और सारा पंचायत रो घर रोज के 12 वार्ड रोज के सब रो मान सम्मान से होना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, जे भी आवे वह सार्वजनिक विकास करे, व्यक्तिगत ने कोई समुदाय ने कोई समाज ने, तो यहाँ पर इलेक्शन जो होलो जे भी बहुत तरह रो रिश्ता परोसलो जाए छे, गोतिया ने आ रो भाई बंधु रो जात पात रो टोला मोहल्ला रो ऊँच नीच रो मुर्गा भात रो हर तरह से कुछ आगुर प्रलोभन कुछ पिछुर प्रलोभन, तो इस चीज़ के चाहे छे सबसे पहले इलेक्शन में ख़त्म हुआ कि गलत चीज़ रो प्रचार प्रसार से कोई नहीं आवा, ये लैक हम पिछला बार भी अकेला नहीं घूरे रही है, बहुत आदमी घूरे रहे, कहर अकेला छलिए हम 425 वोटे लो रहे, वो 425 वोट में कहीं कोई भेदभाव नहीं छे। अच्छा पिछला बार तो दूसरो नंबर पर रहलो लो या तेसरो नंबर पर? तेसरो नंबर पर रहलो लो, तो 425 वोट पंचायत चुनाव में यहाँ मायने रखे छे,
तो प्रचारो कर लो, आखिर हारे रहो, सबसे बड़ा कारण की होले? हमरा में कुछ कमी छे जे कमी के हम पूरा नहीं कर सकल रही, वर्ष के ई बार भी वो कमी रह, पता चले नहीं जे की कमी छे। पर ये तो जनता रे जनमत छे, जनता जनार्दन छे, उनको इच्छा जे होते वही होते। अच्छा है नहीं लगे बड़कन चा कि जोन क्षेत्रों में जोन समाजों में जात देखी का वोट बटी जाए, दारू मुर्गा देखी के वोट बटी जाए, अपनो गोतिया हैसी नहीं देखी के वोट बटी जाए, जहाँ विकास देखी के वोट एक मत पर नहीं पड़ी छे, जहाँ जात देखी के वोट बटी गलो, गोतिया देखी के वोट बटी गलो, मुर्गा भात देखी के वोट बटी गलो, तो इन्हों समाजों में इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल होइ छे, बसरते हो समाजों में लड़बो जहाँ कि आदमी विकासों चलती वोट दे छे। हमरा लिसनी कोई बात नहीं छे, कहने के हम उसनी चीज के बचपन से लखने चल लो छे, समाज में रहलो छे, खेती गृहस्थी करलो छे, जानै छे कीच के सुख दुख कहाँ की छे, दू जात छे अमीर आरो गरीब, उ सब समुदाय में छे, आरो ई चीज के देखी जो ना काम करते जो ना चलते ओकरा इलेक्शन हार जीत से फर्क नहीं पड़ते, वोट कोई देते नहीं देते तकलीफ नहीं देते, कहने के हम समाज के बाँटी के उ चीज के करे ले नहीं जाए छे, ना हम चाहे छे को ना हुआ, आ जो ना अखनी से बाँटते वो आगू की करते, इतने सा जनता जनार्दन से हमरो सवाल छे, उनका विवेक छे की करना छे, उन्हीं सब के जाने छे, सब उनको घर रो जितना कैंडिडेट खड़ा अभी 20 होलो छे, हमरा यहाँ नॉमिनेशन करेले छे, मोहर एते छाप एते, तो सारा लोग घर रोज के एक दूसरा के नीचे करी के कोई आदमी वो कुर्सी पर जावा नहीं सके, वो जनता जनार्दन कुर्सी पर बैठाए छे, तो जनता जनार्दन जे उन्हीं के उनको मन छे जे करते, हम हो लैल उनका कहना बाँटो, चार भाई जे चारों भाई को चार तरह से कहना बाँटी दो, ये वास्ते इसनी चीज से हम हटी काम करे छे, और सब दिन कर लग छे, ये वोट आए ले तो हमरो है कोई एनो बात नहीं छे, हमरो यही व्यवहार छे, हम यह रंग रह ले छे, और हम नेता नहीं बन सकल, यहाँ भी नेता बने लोग होड़ लगलो छे, हम नेता बने होड़ में छे ही नहीं, कहने के हमरो कहीं महत्वाकांक्षा राजनीति छे ही नहीं, समाज में छे, सामाजिक धर्म एक ठो छे, वही हमेशा हम आवाज़ उठाए छे, आज समय लो जे अगर लोग ने वहाँ पर बैठाए थे तो मंदिर चिके जनता जनार्दन रो हुनी देवताज के हमरा वहाँ को सेवक बने थे, हमरा काम रहे उनको सेवा करना, वही में कहीं गलत हम अपेलिए कि जनता जनार्दन रो दायित्व बने छे कि हमरा उन्हें सजा दिए, ये इलेक्शन आवा लो जे तो पिछला RTI निकाली लो जे वो पिछला 20 साल और RTI निकाली लो जे, एक से एक हमरो जनप्रतिनिधि भाई जी समाज रो कल्याण करे निकलो छे, तो जखनी हो रो रही तखनी तो नहीं छे, तखनी बोलती है तो कुछ नहीं होती है, आय बोला समाज में बेमनस्यता होते है, तो इसनी करी कर ऊंच नीच करी कर आदमी के नहीं बढ़ना चाहिए, आरो की मतलब तोरा हम है बात, मतलब बच्चा से हम जब भी रही हो तो हम देख लियो कि तोह समाजों में सबसे आगू खड़ा रहो, केकरो कोई जरूरत रहले समाज रहे छे वे में आगू, मतलब तोरो हस्तक्षेप रहे छले सब चीजों में, साथ हम तो हेलो साथ में, मतलब समाजों में कहीं भी जरूरत पड़ले तो रहलो, हम है देख लियो। अब जहां तक बात हुई कि चुनावों में 10 गो प्रत्याशी खड़ा हो गए, जना तो बतेलो 20 प्रत्याशी खड़ा होले, आरो पिछला बार 31 चले, थाने को हम कहे छी कि कहीं ना कहीं समाज तो बटिए जाए छे, आरो बिहारों में जे राजनीति चले छे पंचायत चुनाव में जे राजनीति चले छे कि जाति देखी का भाई देखी का मुर्गा आरो दारू देखी भी वोट बटाई छे, लेकिन हम कहियो है ने देख लियो तो है सी चीजों में पड़ लो की तरह लगे छो कि पिछला 2-3 रीजन हो गए कि जनरल सीटें नहीं चले, ओकर बाद 1-2 बार होलो जनरल सीट, तब जो अभरी तो मुखिया बनबो तो की एनो मुद्दा छे गाँव में जे कि तोरा लागे छो कि ऐसी चीजों में विकास होना चाहिए, ऐसी चीज उद्धार होना चाहिए? सारा मुद्दा अच्छा ही छे, समाज रो कोई भी बात हुआ तो मुद्दा ही अच्छा छे, अगर बच्चा रो पढ़ाए रो बात हुआ वो मुद्दा सही छे, बच्चा रो खेल कूद रो बात हुआ वो मुद्दा सही छे, बड़ो वृद्धो रो वृद्धा पेंशन मान सम्मान रो हुआ वो मुद्दा सही छे, महिला सनी के बहुत तरह से योजना छे वो मुद्दा सही छे, आय प्रधानमंत्री आवास छे वो मुद्दा सही छे, वही में आदमी के पैसा दल पड़ी रो छे, जबकि कहीं कोई पैसा सरकारी कार्य में नहीं लगे छे, जिस तरह हम देख लियो हम अपन पूरा बाँटे जे छे नी जितना भी चीज के छे हम तो वहाँ बाँटे छो, अखनी जनप्रतिनिधि जे बनेल चल रहा छो वहाँ बाँटे छो वोट के चार भाई में मुर्गा में यही में वही में कुछ जनता नहीं बाँटी रो छे, आ जनता सब समझी रो छे कि आज कहना बटी रो छे, हम तोरा एक बात बता छो, जब कोई गाँव समाज में बच्चा भूखलो छे नी तखनी हम ओकरा खिलाएल नहीं गेली, अखनी पेट भरलो छे तो मुर्गा खिला रहलो छे,
जखनी दुर्गा पूजा दीपावली में पड़ाका फुटेज लेके गुरु बच्चा नया कपड़ा पिनी घुरज ले यार हमरो बच्चा या हमरे समाज में कोई नोच ले बच्चा कपड़ा नहीं छे तो ओकरा देखल नहीं गेलिए कि वो बच्चा के नन मिला देखल गेलो छे ओकरो बारे में हम असनी कभी नहीं सोचलिए आय ओकरा कपड़ा बाँटी रहलो छे तो इसनी चीज तो अपनो अपनो करे छे कहीं कुछ करे छे कोई कोई कुछ करे छे तो आदमी समझे छे जनता के सब जाने छे आरो सही समय पर सही डिसीजन जनता करी ले छे हमरा अपनो अपनो ने अपनो समाज रो अपनो बुद्धिजीवी समाज बारह वार्ड में जे छे ओकरा भरोसा छे उन्नीसनी जे छे फैसला सही करते चाहे हमरा प्रति करे चाहे जक कोई भी छे तो मुखिया चुनते तो मुखिया जब चुनते तो बीस में से देखते अगर हम छे तो हमरा वोट करते नहीं छे वो लायक में तो हमरा कहते भाई नहीं वोट नहीं करबो तो हम उनको इंतजार करबे कि उन्नीसनी कहाँ करते जनता यही जनता रो वार्ड रो मेंबर्स नी जतना छे सदस्य छे सारा जनता ही खड़ा होलो छे प्रतिनिधि में वो भी वोटर छे तो कैंडिडेट छे जनसेवा करे भावना से लो छे वन की मन में लैके लो छे केना अपना आपके आगू में रखी रहो छे ते तो हमें बतावा नहीं सके हम एक सामाजिक कार्यकर्ता छे अब बचपन से ही यहाँ रंग में रही गेलिए समाज में रही गेलिए हिन्ना हन्ना गेलिए देख ही रो छे एक दूसरा के सबके आ पंचायती राज 20 साल से शुरू हो 2000 से अभी तक एक एक चीज़ से वाकिफ छे अपनों में पंचायत रो पहलो मुखिया जी से दूसरो तेसरो चौथो हम समाज में जीवी की यह देख ले छे कहाँ की होलो छे कौन गरीब सते कितना सत्य लोग कौन तरीका सताना मतलब है नहीं केकरो कोई मारल छे सताना के एक मजदूर के पैसा दाके इंदिरा आवास ले लो पड़े जरा इंदिरा आवास कहे छे प्रधानमंत्री योजना छे अभी भी ओकरा इंदिरा आवास में बोले छे कहना कि गरीब ने जाने छे इंदिरा आवास छे पर वो प्रधानमंत्री आवास हो गए अब आ ओकरा में बंधलो छे कि नहीं इतना फिक्स छे कि इतना देना छो आरो ये पूरे बिहार रो हाल छे एक हमरो पंचायत रो हाल नहीं छे आ ये सरकार रो जानतवी में छे आ ओकरो बाद सरकार लगलो छे कि चाहे नीतीश सरकार स्टेट रो रहे या सेंट्रल रो स्कीम रहे सारा तो वहाँ से यहाँ आवे छे यहाँ से वहाँ जाए छे तीन सदन छे हमरो यहाँ निचला और उपला बीच में भी छे जानी रहलो छे तो निचला अगर सही नहीं है तो ऊपर सही नहीं हुआ उसका ऊपर से सही आवे छे तो नीचे अगर सही नहीं रहते तो कहाँ से होते हमरो रंग अगर बिचौलिया रहते तो गड़बड़ नहीं होता है तो बिचौलिया के जनता बड़ी ख़त्म करी थे चाहे बड़कन के नहीं बिचौलिया हमारे नहीं ये बात तो खास करके पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा जातीय समीकरण या फिर कुछ पैसे ले देकर दारू मुर्गा इन सभी चीज़ को ले देकर बिहार में तो खासकर ऐसी राजनीति होती है। जहाँ तक इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का बात है तो मैंने करीब 50 से 60 प्रखंड का दौरा किया वहाँ घूमा किसी एक का मकान ऐसा नहीं है जिसने 25 से 30 हज़ार रुपये वार्ड पार्षद को या फिर मुखिया को नहीं दिया हो अपना इंदिरा आवास का पैसा निकलवाने के लिए। तो अगर किसी गरीब को पैसा नहीं है अपना घर बनाने का और फिर उससे पैसा लिया जा रहा है घर देने के लिए तो फिर बात यही हो गया कि उस गरीब को और गरीब बना दिया गया उस गरीब को और लूट लिया गया। जहाँ तक तो उसको देने का बात था वहाँ उससे लिया जा रहा है ये तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है ये खराब राजनीति है इसको ग्रामीण क्षेत्र की दीमक कह सकते हैं हम बीमारी कह सकते हैं क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है यही एक ऐसा मुद्दा है कि गरीबों का विकास आज तक नहीं हो सका है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज में हमेशा से हैं और समाज को जानते हैं समाज में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को परखते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि को जरूर जीतना चाहिए और जनता को इन बातों का आकलन करना चाहिए कि कौन से जनप्रतिनिधि जीतने के बाद उनके बीच में रहेंगे क्योंकि इलेक्शन चुनाव के वक्त जैसा अभी चचा ने बताया कि जिस गरीब के बच्चे को हम ये नहीं देखने गए थे कि दीपावली के दिन वो कपड़ा पहना है या नहीं पहना है उसको घर जाके अभी कपड़ा बांट रहे हैं ये तो साफ कोरी राजनीति हुई गंदी राजनीति हुई। जिसके घर में खाना नहीं पक रहा था आज उसको मुर्गा खिला रहे हैं तो ये तो चुनाव जीतने के लिए आप कर रहे हैं आपके मन में सामाजिक तौर पर कोई दिल में कोई दया नहीं है। चुनाव है आप वोट लीजिएगा तो दारू मुर्गा खिला रहे हैं कपड़ा दे रहे हैं पैसा बांट रहे हैं तो ये जो एक सड़ी राजनीति है ये कहीं ना कहीं बिहार के ग्रामीण क्षेत्र को गला कर रख देती है और यही कारण है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो फिर शहरी क्षेत्र में या फिर देश में कहीं ना कहीं विकास में एक बड़ा रोड़ा यही एक ग्रामीण गंदी राजनीति साबित होती है। मेरे साथ उम्मीदवार थे पंचायत चुनाव के इस बार मुखिया लड़ रहे हैं और मेरे ग्रामीण हैं मेरे चाचा हैं तो मैंने सोचा कि इनका भी मत जाना जाए। बचपन से मैंने देखा है इनको कि ये समाज में जुड़े रहे हैं एकजुट रहे हैं और यही कारण था कि मैंने सोचा कि इनसे बात किया जाए। आगे भी पंचायत चुनाव में जो भी चीज़ें होगी जो भी सरगर्मी होगी आने वाले समय में मतदान होगा रिजल्ट आएगा सभी को सभी का साइन मिलेगा उन सभी चीज़ों पर भी हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे।
आपसे हम मिलते हैं लगातार, रोज़ मिलते हैं, खबर दिखाते हैं आपको पूरे शहर की, अगल बगल आसपास के ज़िलों की भी। आज आप ज़्यादा हमारे वीडियोग्राफी पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आए थे हम लोग समाज में ऐसे देखने पंचायत चुनाव का, तो ग्रामीण हैं मेरे चाचा हैं, सोचा कि इनसे भी बात कर लिया जाए, इनकी भी जो इनका भी जो मुद्दा है उन सभी पर एक बार ध्यान दिया जाए। लगातार आप देखते रहिए सिल टीवी, मैं हूँ सत्यम, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।